हेलो फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक सर्दियों का खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट गजनिया के बारे में कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी जानकारी छूटने ना पाए। तो फ्रेंड्स, गजनिया जो है ये एस्ट्रियस फैमिली से बिलोंग करता है और साउदर्न अफ्रीका का नेटिव फ्लावर भी है। और गजनिया फ्लावर जो है फ्रेंड्स ड्राउट रेजिस्टेंट होता है, मतलब सूखे को भी बर्दाश्त कर सकता है। इसीलिए इसे धूप भी बहुत चाहिए होता है, 5-6 घंटा धूप इसे जरूर चाहिए होता है। और ड्राउट रेजिस्टेंट है तो सूखे को भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसको लगाने के बाद पानी ना डाले। मतलब इसका मिट्टी में जो है पानी 1 इंच ले और सूख जाए मिट्टी का, तभी इसे पानी डाले। तो ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है इसको। और इसको ग्रो करने के लिए मिट्टी जो चाहिए होता है 50% गार्डन सॉयल, 30% भर्मी कंपोस्ट, 20% सैंड मिला के वेल्डन मिट्टी तैयार करें, फिर इसको ग्रो करें। और इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि जब भी बहुत ज़्यादा इसमें खाद डाले तो इसके पत्ते ज़्यादा हो जाते, पत्ते में डेवलप ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा पत्ते हो जाने के कारण ये फ्लावर नहीं खिलते हैं, तो कम होता है फ्लावर, नहीं खिलता ऐसे नहीं, फ्लावर कम खिलता है। तो इसीलिए इसे महीने में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप लोग डाल सकते हो, जैसे कि मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या तो बनाना पील का फर्टिलाइज़र हो, वो सब डाल सकते हो। ये गजनिया फ्लावर जो है बहुत सारे कलर में पाए जाते हैं, जिस तरह से मेरे सामने आप लोग देख रहे हो, पिंक में बीच सेंटर जो है येलो है और राउंड में थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा है, ये दूसरा है वाइट कलर में, ये शेड पिंक है, सेंटर येलो है और साइड में ब्लैक सा है। और भी मेरे पास फुल जो ये फ्लावर है पूरा येलो है, एक ऑरेंज कलर में भी है। तो इस तरह से कई तरह के शेड कलर में भी गजनिया फ्लावर देखने को मिलता है, और इसे डेजी फ्लावर भी कहा जाता है। ये फ्लावर जो है सन निकलने पर ये फ्लावर खिलते हैं, और जब भी अंधेरा हो जाए ये बंद हो जाते हैं। जब भी जैसे कि मैंने अभी वीडियो बनाने के लिए इसको रखा, तो ये अभी सन है तो इस फुल फ्लावर खिला हुआ है। तो अगर मैं ये प्लांट को अंदर लेके जाऊँ तो ये पूरा इस तरह से बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये जो लाइट का सेंस में ये फ्लावर खिलता है। एक एक फ्लावर 3-4 दिन टिके रहते हैं, जैसे सुबह ऐसे खिल जाता है, शाम को इस तरह से बंद हो जाता है, फिर दूसरा दिन सुबह खिलता है, इस तरह से खिलता है, ऐसे करके 3-4 दिन ये फ्लावर रह जाता है। और इसको प्रोपोगेट कैसे किया जाता है, ये तो एक तो बीज से इसका पौधा तैयार कर सकते हो, और नहीं तो ये मेरा प्लांट तो छोटा है अभी, जैसे कि ये प्लांट है इसके साइड से आप लोग देख रहे हो ये प्लांट निकल रहा है छोटा छोटा, अभी ये है एक, इधर इधर भी एक है। तो इस तरह का जो प्लांट निकलता है साइड से बेबी प्लांट, इस ये जब बड़ा हो जाए तो इसको निकाल के अलग करके फिर दूसरा प्लांटर में लगा सकते हो, नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और नहीं तो ये फ्लावर अभी तो सीज़न है इसका, सीज़न में जो फ्लावर सूख जाते तो मैं यहाँ से नीचे से काट देती हूँ, जब ही इसका सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो ये प्लांट में मैं फ्लावर को सूखने दूंगी। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये रखा इधर, ये कल तक ये फ्लावर खिला था, अभी सूख रहा है, तो ये पूरा सूख जाए प्लांट में तभी इसको नीचे से काट के फिर अच्छी तरह से सुखा ले, फिर एयर टाइट कंटेनर में रख दे, अगले साल इसे इसी सीड से ग्रो कर सकते हो। और नहीं तो मैंने जिस तरह से कहा ऐसे प्लांट को निकाल के अलग करके फिर इसे ग्रो कर सकते हो। और डिजीज इसमें क्या क्या लगती है, जैसे मिलीबग का अटैक होता है, कई तरह के एफिड्स लगते हैं, जैसे पत्ते के पीछे इसके, अभी तो मैंने तो नीम ऑयल हर वीक में स्प्रे करती हूँ, तो इसमें कोई कीड़ा ये सब नहीं है। तो अगर नहीं ना करे तो इसमें कीड़ा लग जाती है, जिस तरह से मिलीबाग हुआ, कोई भी एफिड्स हुआ लग जाए, तो समय समय पर नीम ऑयल से स्प्रे करें, नहीं तो एक बार लगने के बाद फिर इसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, फिर प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। और जब ही स्प्रे करें नीम ऑयल को, थोड़ा पत्ते को थोड़ा पलट ले, फिर पीछे से स्प्रे करें, क्योंकि जो भी एफिड्स होता है पत्ते के पीछे उनका घर बनाते हैं, अंडे जो अंडे है, बच्चे हैं, सब कुछ ये पत्ते के पीछे होते हैं। तो इसे थोड़ा पलट के स्प्रे करें तो अच्छा रहता है।
ऐसे तो ये जो गजनिया है ये सर्दियों में फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये पेरेनियल प्लांट होता है, पूरे साल ये रह सकता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा शेडी एरिया में रखे तो अच्छा रहता है, तो पूरा साल आपके पास रह जाएगा। एक बार प्लांट खरीद ले तो फिर दोबारा खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे बहुत सारा प्लांट आप लोग तैयार कर सकते हो, तो बहुत इजी है और फ्लावर भी बहुत ही खूबसूरत है। तो आप लोग इस फ्लावर को ज़रूर गार्डन में जगा दें और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। पानी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, थोड़ा धूप ज़्यादा चाहिए होता है बस, और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।